ये है 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमगाता तीर्थराज विमल कुंड, ब्रज 84 कोस के आदि वृंदावन कामवन में तीर्थराज विमल कुंड पर देवोत्थान एकादशी के अवसर पर ये भव्य दृश्य। तीर्थराज विमल कुंड की सभी घाटों पर रोशनी और दीपकों से जगमगाता ये भव्य तीर्थराज विमल कुंड, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया, अपने वृद्ध माता पिता नंद यशोदा को सारे तीर्थों का आचमन, स्नान और परिक्रमा कराने के लिए जिस तीर्थराज विमल कुंड की स्थापना, जिस तीर्थराज विमल कुंड का प्रागट्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के हितार्थ किया, आज आप उसी तीर्थराज विमल कुंड के समक्ष ये बहुत ही सुंदर दीपदान का, जिसमें 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा है तीर्थराज विमल कुंड, हम आपको लिए चलते हैं। पूरे तीर्थराज विमल कुंड की हम आज आपको परिक्रमा कराएंगे। एक एक मंदिर, एक एक घाट, एक एक गुंबद, एक एक गवाक्ष, एक एक झरोखे, सबके आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए दोनों ओर दीपों की दीपावली से जगमगाता ये तीर्थराज विमल कुंड का मुख्य मार्ग, जहां हम मुख्य मार्ग से होते हुए तीर्थराज विमल कुंड के दीपदान के इस भव्य दृश्य की ओर पहुंच रहे हैं। एक एक मंदिर पर बहुत ही सुंदर ये आप देखिए शहनाई वादन के साथ तीर्थराज विमल कुंड के इस दीपदान महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ इस घाट पर, सूरज घाट पर जब हम खड़े होकर देखते हैं तो पूरा तीर्थराज दूधिया रोशनी में जगमगाता नजर आ रहा है। दूर दूर तक फैला ये प्रकाश जो देवोत्थान एकादशी के अवसर पर रात्रि में मानो देवताओं के जागरण के समय सभी देवताओं के स्वागत और अभिनंदन के लिए ब्रजवासियों ने, सभी श्रद्धालुओं ने, सभी आस्थावान महानुभावों ने दीपों की पंक्तियां तीर्थराज विमल कुंड पर, यहाँ इनके घाटों पर लगाकर देवताओं का बहुत ही भव्य स्वागत और अभिनंदन किया है। और उसी स्वागत और अभिनंदन के बीच ये डोला, जो जल में तैरता हुआ डोला आपको दिखाई दे रहा है, भव्य रूप से डोले में बंगले की झांकी सजाई गई है और उसमें भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप जो है वो विराजित किया गया है। और यहाँ देखिए एक एक दीपक अपनी रोशनी से देवोत्थान एकादशी के अवसर पर ब्रज 84 कोस के इस कामवन के तीर्थराज विमल कुंड पर देवताओं का आह्वान करता हुआ, देवताओं का अभिनंदन, देवताओं का स्वागत करता हुआ। और ये आप देखेंगे पूरा तीर्थराज विमल कुंड, जिसके चारों ओर प्रमुख चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ विराजित हैं। बिल्कुल सामने रामानंदी संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर विराजमान है और दक्षिण दिशा की ओर माधवगौड़ संप्रदाय का मदन गोपाल जी और महाप्रभु जी का मंदिर विराजित हैं। और अगर देखेंगे आप पश्चिम दिशा की ओर तो पश्चिम दिशा की ओर निम्बार्क संप्रदाय का मुरली मनोहर मंदिर विराजमान है, गंगा जी का मंदिर यहाँ देख आप दर्शन कर सकते हैं। और उत्तर की ओर आप देखेंगे तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर विराजमान है। ये चारों प्रमुख संप्रदायों के सिद्धपीठ यहाँ पर विराजित हैं, एक से एक भव्य मंदिर जिसके दर्शन आप करेंगे। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस दीपदान महोत्सव में अपना योगदान दिया है, विद्यालयों से आकर बालकों ने दीपों को सजाया है, दीपों को जमाया है, उनमें तेल और बाती लगाकर इस मनोरथ को, इस भव्य महोत्सव को सुंदर बनाया है। और आज आप बड़े बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थराज विमल कुंड की इस परिक्रमा में आप मेरे साथ मानसी रूप से चल रहे हैं। और एक एक घाट, एक एक सीढ़ी पर जो दीपों की पंक्तियां जो लगी हुई हैं, उन दीपों की पंक्तियों के प्रकाश का आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 महीने के विश्राम के बाद देवोत्थान एकादशी के अवसर पर देवताओं का जागरण होता है, देवता जागते हैं और देवताओं के जागरण के समय उनके
भक्तों के द्वारा पृथ्वी लोक पर उनके आह्वान के साथ उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए ये तीर्थराज विमल कुंड पर ब्रज के प्रमुख आदि वृंदावन काम मन में ये दीपदान महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें 125,000 दीपकों की रोशनी से तीर्थराज विमल कुंड जगमगा उठता है और ये समक्ष ही भगवान का बहुत सुंदर डोला जिसमें नाव में प्रभु विराजे हुए हैं बहुत सुंदर रूप से फूलों आदि से सुसज्जित और रोशनी से जगमगाई ये विशेष जो डोला जल में विहार के लिए ठाकुर जी के लिए तैयार किया गया है उस डोले में प्रभु विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर छवि राधा और कृष्ण की यहाँ विराजित है। बीच में बहुत सुंदर दीप जो है ठाकुर जी के स्वागत और ठाकुर जी के अभिनंदन के लिए प्रकाशित है और इस पूरे डोले के दर्शन करने के लिए आस्थामान श्रद्धालु भक्तगण बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और प्रभु के दर्शन करके उनको प्रणाम निवेदित करके उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करके यहाँ से फिर पूरी परिक्रमा करते हैं। ये विश्राम घाट है जहाँ पर दीपदान महोत्सव के अवसर पर आरती की जाती है, ये वही स्थल है जहाँ पूजा अर्चना की जाती है विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा, विभिन्न ज्योतिष और कर्मकांड और संस्कृत के जो परम विद्वान वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित हैं उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर भव्य और दिव्य रूप से आरती की जाती है। ये पूरा तीर्थराज विमल कुंड जिसके चारों ओर की जो परिक्रमा है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है और उस 1 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में सभी घाटों पर एक एक करके विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के लोगों के द्वारा विद्यार्थियों के सहयोग से दीपदान महोत्सव समिति के तत्वावधान में ये दीपदान महोत्सव का आयोजन और कितना सुंदर दृश्य है कि एक घाट पर चारों ओर दीपक जगमगा रहे हैं और हम उन दीपों की दीपावली में से उन दीपों की पंक्तियों में से निकलकर और इस दीपदान महोत्सव का आनंद ले रहे हैं और आप सभी को आनंद दिला रहे हैं। बहुत ही दूर दूर से महानुभाव इस दीपदान महोत्सव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। जब भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो उन्होंने सभी तीर्थों में तीर्थाटन करने की अपनी इच्छा जाहिर की तो प्रभु ने वे वृद्ध माता पिता कहाँ तीर्थों में जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने काम मन के इस तीर्थराज विमल कुंड में सभी तीर्थों का आह्वान किया और उसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। एकमात्र पुष्कर यहाँ पर नहीं आ पाया इसलिए इसे भी पुष्कर के समान तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन यहाँ बहुत बड़ा और विशाल मेला लगता है जबकि बहुत सारे साधु धर्माचार्य और संतगण ब्राह्मणगण यहाँ दूर दूर से आकर स्नान करते हैं भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन। और काठियावाड़ जो बाबा होते हैं उनकी साधुओं की यात्रा, काठिया बाबा साधुओं की यात्रा यहाँ पर प्रतिवर्ष आती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर उनका शाही स्नान का कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें भारी संख्या में जनमानस उमड़ता है। ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ तीर्थराज विमल कुंड के उस विहंगम दृश्य के जहाँ 125,000 दीपकों से जगमगाता ये तीर्थराज विमल कुंड। सामने की दीवार जो है वो लक्ष्मण जी मंदिर की दीवार है और देखिए एक से एक सुंदर झांकियाँ इस अवसर पर यहाँ बनाई गई हैं जिन्हें देखकर हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और हम इस पूरे दृश्य में से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक एक करके जब हम इन सुंदर स्वरूपों का दर्शन करते हैं और आज मैं फिर आपको लेकर आया हूँ काशी विश्वनाथ तीर्थराज विमल कुंड के प्रवेश द्वार पर ये काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर विराजित है जहाँ बहुत ही सुंदर स्वरूप में भगवान काशी विश्वनाथ महादेव आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ विराजमान हैं और उन भोलेनाथ का ऐसा सुंदर श्रृंगार भक्तों ने किया है कि आप
इस श्रृंगार को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं आपको ऐसे अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ अंदर, जिस समय आरती का यह अवसर है। और देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार, बीच में भोलेनाथ विराजे हुए हैं और बाईं ओर माँ पार्वती और पीछे भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नादिया जी, संपूर्ण परिवार यहाँ पर विराजित है। और बहुत सुंदर स्वरूप में ये आरती जो है भक्तगणों के द्वारा की जा रही है। आज आपने दीपदान महोत्सव के अवसर पर ये सब आनंद लिया। एक बार सब मिलकर बोलेंगे, बोलो भोलेनाथ की जय, श्री गोकुल के चंद की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।